मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं सुनील विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एसके व्लॉग्स फार्मिंग लाइफ। गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि शाम को काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई थी, पिछली नाइट से भी ज़्यादा बारिश हो गई है और उस बारिश में थोड़ा सा हमारा नुकसान भी हो गया है। नुकसान देख सकते हैं आप, हमारा जो बगदा है वो गीला हो गया, सोयाबीन का कचरा जो लास्ट में हम जिसे बोलते हैं, देख सकते हैं। तो ये जो ऊपर ऊपर है ये गीला हो गया और बाकी तो सूख ही है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बारिश की वजह से हमें ज़्यादा नुकसान होगा, नुकसान ऐसा कुछ नहीं है, तो ठीक है फिलहाल। तो ब्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे जल्दी पहुँचे। तो ठीक है, बढ़ाते हैं ब्लॉग को आगे और बताते हैं आपको फार्मिंग लाइफ के कुछ व्यूज़। चलिए, हाँ तो गाइस देख पा रहे हैं ये है चने हमारे, और हमने ये सोचा था कि अभी जस्ट ये फूल आने से पहले हमें इनमें पानी फेरना है ताकि अच्छी सी ग्रोथ करे, लेकिन देखिए कुदरत का करिश्मा कि मिट्टी को एकदम गाइस अच्छा खासा गीला हो गया है अंदर तक और अब हमें शायद इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होगी। तो ओके, अब हम इसमें जब फल ठहरेगा तब पानी फेरेंगे। तो कुछ ऐसा सीन है, देखिए ये हमने जो प्याज के पत्ते फेंके थे गोबर के स्टोरेज पे घूड़े पर, ये देखिए सब गल गए, इसको पानी ने गला दिया और सूख कर सारे इसमें खाद के रूप में जमा हो जाएंगे। गाइस कुछ ऐसा सीन है, और हमारा जो बगदा है वो काफ़ी इतना तो गीला नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाइस फसलों को काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़ायदा पहुँचेगा। ये देखिए हमें कहीं भी पानी करने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट जो नहीं एक जो पानी हम फेरते हैं इसमें उसकी लगभग पूर्ति कर दी है। ये हमारी गाजर है गाइस, देखिए कुछ ये ऐसा लुक है, और ये है पालक, पालक की सब्जी काफ़ी अच्छी होती है सेहत के लिए। हाँ तो गाइस ये है हमारे वो प्याज जो हमने बीज के लिए लगाए हैं, आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि कैसी क्या ग्रोथ कर रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा फिलहाल बन रहा है और लगभग इस वाने ने तो हर फसल में राहत ही की है। ये एक सरी हमारी कुछ ऐसी, तो चलिए चलते हैं और आगे। तो गाइस फिलहाल सीन कुछ ऐसा है कि अभी जब हम कल लहसुन में 5-6 सरी रह गई थी पानी पिलाने की, तो सिंचाई करने की, तो उसमें कर रहे थे और हमने सोचा था कि ये जो प्याज बोए थे हमने फर्स्ट पानी दिया इसमें और सेकंड बीजान देनी होती है, मतलब सेकंड देना होता है जल्दी से जल्दी। तो इतने में हमारे मौसम भाई साहब आ गए और बरस गए, बादल बरस गए, तो हमें काफ़ी फ़ायदा हो गया इसका क्योंकि बीजान अब नहीं देनी होगी इसमें, अब देखते हैं खाद वगैरह देकर ही काम चलाएंगे। हाँ तो गाइस बता सकते हैं हमारे चैनल की क्या खास बात है? चलो ठीक है मैं बताता हूँ गाइस, हमारा एक ब्लॉगिंग चैनल है, ठीक है, एसके व्लॉग्स फार्मिंग लाइफ। तो गाइस इसकी खास बात यह है कि हम कभी भी ब्लॉग लेट नहीं करते, देखिए तारीख बाय तारीख, डेट बाय डेट, हर डेट को आपको एक ब्लॉग मिलेगा, हर डेट को एक न्यू ब्लॉग मिलेगा। गाइस एवरी डे ब्लॉगिंग करते हैं हम, तो फिलहाल तो ये खास बात है। आप गाइस देख सकते हैं आप, मैं बिल्कुल भी हल्ला गुल्ला नहीं कर रहा हूँ, इसलिए हमारी जो टिटोड़ी है वो यहाँ पर चुगने के लिए आ गई। गाइस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो चिड़िया आप देख रहे हैं ये कौन सी प्रजाति की, भैया पहली बार होती है। ये वाली नहीं, इसके जो आगे बैठी है जस्ट ये वाली, मार्क करिए भैया मार्क करिए, दर्शकों को दिख नहीं रहा, क्या पता क्या मिल गया इसको। तो गाइस नए पक्षी आ गए वापस, देखिए मैं बताता हूँ ये बहुत सारे केके आ गए, मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि ये काय काय करते रहते हैं। तो गाइस ये देख रहे हैं ये, इसे काबर बोलते हैं, क्या पता, हाँ हिंदी में काबर ही बोलते होंगे, हमारे इधर काबर बोलते हैं। ये भी कीड़े खाती है, लेकिन गाइस देख सकते हैं सभी पक्षियों के चलने की जो ढंग है काफी ज्यादा अलग होते हैं ना, देखिए ये क्या खा रहा है भैया, अब नहीं कर पाऊंगा मैं जूमिंग इससे ज्यादा, ये कभी सभी गाइस खाते खाते
एक दूसरे से लड़। अरे ये क्या है भैया, अरे ये तो तालू उठती है, गिलहरी भी आ गई। तो गाइस यहाँ पर कुछ अन्न के दाने वगैरह भी है, ऐसा नहीं है कि सभी मांसाहारी जीव है। ये जो ये मार्क करिए भैया, एडिटर साहब मार्क कीजिए। हाँ तो ये जो वो गई गिलहरी भाग गई। तो गाइस गिलहरी भी शाकाहारी है, दाने वगैरह खाती है। अगर गाइस मैं उठ के इनका वीडियो लेना चला जाऊँ तो ये मानिए कि सारे के सारे उड़ जाएंगे। तो गाइस ये घोड़ा है ना हमारा, ये इनकी मुख्य जगह है। यहाँ पर बहुत सारे कीड़े निकलते हैं, बहुत बहुत सारे कीड़े निकलते हैं। ये तो टिटोड़ी तो नटी रहती है यहीं पर ही। मैं तो भूल ही गया था कि शाम को बारिश हुई है, इसी की वजह से सारे पक्षियों का मतलब खाना खुल गया है। मतलब बहुत सारे, ये जो अंदर बारिश होती है तो जितने भी कीड़े हैं वो बाहर निकल आते हैं ज़मीन में से। तो गाइस इसी की वजह से आज काफ़ी ज़्यादा पक्षी हो गए हैं। अच्छा अब समझ में आया, मतलब मैं सब जगह जगह देख रहा हूँ यार, पक्षी ही पक्षी उड़ रहे हैं। मतलब ठीक है, तो गाइस देख सकते हैं अभी तो बाल वाल भी ठीक नहीं किए भैया, हाथ मुंह धोना है गाइस अभी, हालांकि देख सकते हैं। लेकिन आप देखिए, मैंने आप मेरे हाथ में एक प्लांट देख रहे हैं, किसका प्लांट हो सकता है बताइए फटाफट। अरे ये तो कोई भी बताएगा यार, ये तो एक टमाटर है, पापा जी ने अभी कहीं से ला कर दिया है। अब देखते हैं ये कौन सी नस्ल का टमाटर है और कैसा ग्रोथ करेगा। तो उन्होंने बोला कि मुझे इसे कभी एक अच्छी काफ़ी अच्छी जगह रखना है जहाँ पर ये अच्छी ग्रोथ करे और हमें फल फ्रूट से। तो गाइस ये फल फ्रूट आप देखिए, मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ इसको, तो चलिए लगाते हैं इसको और मैं बताऊँगा आपको कि ये आगे जाकर कैसे फ्रूट्स देगा हमें। ओके तो इस लाइन में यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत सारे टमाटर है, इधर भी बहुत सारे हैं। अरे भैया नहीं करता हूँ आपको परेशान। तो गाइस देखिए मैं करता हूँ इसकी बिजाई। अभी फिलहाल ये जो है ना, ये हमने भराव किया है, यहाँ से सीधा नीचा है ये। अगर हम यहाँ पर खोदेंगे तो ये जो पाड़ हमने बनाई ये टूट जाएगी, तो मैं डायरेक्ट इसी से ही एक होल करूँगा। तो ये होल लगभग हो चुका है, अब देखिए। ओके इतना तो बहुत रहेगा, तो हम यहाँ पर लगा देंगे गाइस इसे। सारी जड़ें अंदर जानी चाहिए भैया अच्छे से, और इसे सीधा कर देते हैं ताकि इसकी ग्रोथ अच्छे से हो। थोड़ी सी मिट्टी ले आते हैं यहाँ से ताकि इसे भी बिल्कुल भी ना। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या कैसे क्या फ्रूट देता है। फ्यूचर कहाँ यार, क्या 8-10 साल थोड़ी जिएगा। लेकिन गाइस ये आगे जाकर अच्छा सा ग्रोथ करेगा, थोड़ा सा पानी वानी डालते हैं इसमें ना। तो भैया डाल देते हैं ताकि ये चल देगा आप फटाक से। ये जगह आप देख सकते हैं, इधर भी टमाटर बहुत सारे हैं और इधर भी बहुत सारे हैं, वो बीच में बहुत सारे पौधे भी हैं। तो
तो ये जगह खाली थी थोड़ी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर लगा देते हैं ये टमाटर का पौधा, ताकि ये जो गार है ये इससे बांधे भी रखेगा, यहाँ से डायरेक्ट ये फूटेगा नहीं। तो ठीक है, गीला कर दिया है। तो गाइस हम यहाँ पर पौधे की वजह से पानी छोड़ते रहते हैं, तो यहाँ से पानी जाएगा तो इसमें तो ज़रूर आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसे लगाया है। तो गाइस ठीक किया है ना? हाँ। तो गाइस आज का व्लॉग काफ़ी अच्छा था, है ना? सही है ना? हाँ। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि पानी बहुत गिरा था शाम को, और फिलहाल तो बस अब सारे पशु देख रहे हैं कि बांध दो भैया बांध दो, अब हमें ये करना है, उनको बांधना है। तो ठीक है, फिलहाल तो व्लॉग की एंडिंग करते हैं। बताइए तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ठीक है गाइस, फिलहाल तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।